नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा शहर से आ रही है, जहां दरभंगा शहर में गामी के परिवार के स्टाफ पर अपराधियों ने किया गाड़ी से ओवरटेक और बालू घाट के पास पिस्टल तानकर उनसे की लूट। जी हां, लगता है दरभंगा में कानून का राज खत्म सा हो गया है, तभी तो कानून हाथ में लेने का डर लोगों में नहीं रह गया है। ताजा मामला आज रात लगभग 8:20 की है, जब बाजार समिति में गद्दी बंद करके विजय कुमार गामी के स्टाफ घर जा ही रहे थे, तभी शहर के बीचों बीच बालू घाट में पिस्टल से लैस अपराधी बाइक से आते हैं और गाड़ी से ओवरटेक कर पिस्टल तान कर उनसे बैग छीन कर भाग जाते हैं। वहीं घटना के बाद विजय कुमार गामी अपने स्टाफ संग विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाते हैं। आगे देखिए क्या है मामला। आराम से बताइए। हम लोग अपने घर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बाजार समिति गद्दी से आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद बालू घाट के पास जो है वो आगे से जो है सो मोटरसाइकिल सटा दिया, ओवरटेक करके सटा देने के बाद जो है सो रिवॉल्वर निकाला, हमको सटा दिया। हम लोग कहबो किए कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तब गाली बकने लगा। उसके बाद झोला जो है दे मेरा सुन हो गया। हम बाजार समिति से किनके यहाँ से आ रहे थे आप? विजय कुमार गामी के यहाँ। उनके यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं। झोला में क्या था? कागज पत्र था, मतलब खाता बही ड्यूज स्लिप था। पैसा भी था उसमें? नहीं, पैसा नहीं। दुकान का चाबी था, सारा चाबी। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। कहाँ? शिवाजी नगर। जो आदमी ओवरटेक किया आपको? हाँ। तो किस तरह ओवरटेक किया? गाड़ी आगे लगाया, साइड से खींचा? आगे लगाया। पहचानते हैं उसको? नहीं सर, हम चेहरा से अगर पहचाना जाए तो पहचानते हैं। देह में सटने का हमारा तो सारा जो है सो बढ़िए सुन हो गया, जैसे लगा कि हमको कुछ सूझिए नहीं रहा। तो अभी कहाँ आए आप? तो थाना पर। कौन थाना पर? यूनिवर्सिटी थाना पर। कितना दिन से काम करते हैं उनके यहाँ? दुर्गा पूजा में हम काम पकड़े थे 10 मई के। घर मालिक के घर के पास ही आपका घर? हाँ, पड़ोसी है। क्या नाम से दुकान है उनका? उनका विजय कुमार गामी के नाम। बाजार समिति दुकान जी। आपका क्या नाम? गोपाल सर। पिताजी का नाम? स्वर्गीय वीरेंद्र सर। मामला बताइए। हम लोग बाजार समिति से दुकान बढ़ा करके आ रहे थे, तो वहीं से आते आते बाजार समिति से यहाँ बालू घाट के करीब एक बाइक वाला आया और पीछे से आगे जाके ओवरटेक करके बाइक को रोक दी। उसके बाद झोला मांगने लग गया, हम लोग नहीं दे रहे थे, तो अगला हथियार दिखाया हमको। तो हथियार दिखाया तो हम लोग डर गए, अभी भी डर नहीं लग रहा है। और हम बोले भी भैया इसमें कुछ नहीं है, केवल चाबी है और कागज़ पत्र है। तो लोग गाली दिया और मेरे साथ में थे जो थे उनको सटा दिए थे, तभी ठोक देते हैं। तो गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी हम चला रहे। झोला किन के हाथ में था? झोला हमारे भाई साहब के साथ। कौन है आपके साथी? हैं स्टाफ है, हम भी स्टाफ। कब बजे चले थे आप वहाँ से? करीब सब 8 बजे चले थे, 8:20 के आसपास हम लोग बालू घाट पहुँचे और उसी बीच घटना। 8:20 22 के बीच। उसको पहचानते हैं? ऐसे तो झलक देखे हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं पहचानता। अगर आप दिन में कभी देखे हो उस लोग को? नहीं, उसको आते जाते नहीं देखे हम लोग। अगर पहचान वाला होगा तब तो बोलते ना। तो झोला में कैश वगैरह भी था? कुछ नहीं था, केवल कागज पत्र था, आज का बिक्री पन्ना था और गोदाम का चाबी। अभी आप कहाँ आए? अभी हम यूनिवर्सिटी थाना में आए। FIR हो रही है? हाँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम बबलू ठाकुर। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण ठाकुर। घर? घर शुभंकरपुर रत्नपट्टी, वार्ड नंबर 8। कितना दिन से काम करते हैं इनके? हम इनके यहाँ तो बहुत दिन हो गया, करीब 12-13 साल। हम लोग बाजार समिति से बंद करके चले गए, उनको बंद करने के लिए बोल दिए थे भैया बंद करने के चले आ। वो हमको लगा कि बाजार से जो चला लेके उसके पीछा पकड़ लिया, सुनसान जगह पर जाके उसको और सटा दिया, आगे से घेर लिया। गाड़ी पीछे था उसका लेकिन आगे पर के उसको घेर लिया, घेर के उसको रिवॉल्वर सटा के छोड़ा हुआ लेके लगा रहे थे। लेकिन अब क्या रकम था वो हम आपको अभी बता नहीं सकते, इसलिए क्या और सब था चला गया था, जिसको जिसको पेमेंट करना था कर दिए थे। अब जो बचा हुआ उसको हम बता देंगे, 25 था कि 50 था कि 10 था, उससे वो हम बता सकते हैं, कोई बात। सर क्या घटना घटी? आज शाम में गामी जी का स्टाफ बाजार समिति से बाइक पर सवार होकर के अपने घर की ओर लौट रहे थे, इसी क्रम में बालू घाट जब पहुँचे तो
रास्ते से एक बाइक जिस पर दो व्यक्ति सवार था, इन्हें रोक लिया और इनके हाथ में झोला था जिसमें चाबी और रसीद था, छीन कर पीछे की ओर भाग गया। सर हथियार क्या की बात सामने आ रही है? हाँ, उनके पास हथियार भी था और डराने का प्रयास किया, हथियार का उपयोग किया। इस प्रकार का मारपीट की कोई घटना नहीं घटी है। कितने बजे घटना है सर? साढ़े आठ बजे की घटना है। पुलिस जांच कर रही है जल्द ही उद्भेदन हो जाएगा।